Please start. Let's begin. LDP का मतलब है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. थोड़ा सा वहां पे अगर लोगों को यहां पे दिख रहा है स्क्रीन में, आप आपकी तरफ नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा नहीं आ रहा, आप इनको भी थोड़ा सा दीजिए. लीड सेल्स, सबसे पहला काम आप अपने आप को लीड करेंगे. लीड अदर्स, दूसरा बड़ा काम. तीसरा लीड मैनेजर्स. चौथा लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पांचवा लीड एबिलिटीज. और छठा लीड सोसाइटी. अब मैं जरा इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं. मैंने अभी कुछ बोला, किसी को याद हो गया होगा तो हाथ खड़ा कर दे. कुबेर साहब याद हो गया मैंने क्या बोला? सही याद हो. किसी को भी याद हो मैंने क्या बोला? अभी मैंने छह लाइनें बोली, किसी को भी याद नहीं हुआ? एक मिनट. हाँ जी, किसने लिखा है? अच्छा, लिखा है वाले छोड़ दीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा उसमें से किसी को याद? तीन पॉइंट याद है सर. कौन सा? लीड सेल्फ, लीड अदर, लीड मैनेजर. यस यस, चलो तीन पॉइंट्स याद है. तो फिर साहब आपको याद हो गया. चलिए एक मिनट के अंदर आपको याद करा देता हूं. एक मिनट के अंदर किसको खड़ा कर देता हूं? कुबेर साहब आप आ जाइए, यहाँ पे आइए. नहीं आप ही आइए, चलिए अक्रम साहब आ जाइए, कोई भी आ जाइए. कुबेर साहब की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोई और आना चाहता है? एक और एग्जाम्पल लेते, आ जाइए. प्लीज कम. चलिए थोड़ी सी फनी चीज हो जाएगी. मुश्किल चीज थी 6:30 सेकंड के अंदर इसको याद करना ना बहुत आसान होगा. लेट अस कम बैक. नो सोर्स फाउंड प्लीज. चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं बताऊं, तब तक आप इसको एक बार रिबूट करवाइए, व्हाटएवर इट इज. देखा ओके, छह चीजें. लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड मैनेजर्स, लीड एबिलिटीज, लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड लाइक लीड सोसाइटी. हो गया जाएगा डन. चलिए फिर से बताता हूं. हमारे बड़े पुराने ना जब ग्रंथों में लिखा होता था एक चीज हुआ करती थी, जैसे कहते थे सोम रस. सबने सुना क्या होता था सोम रस? सुना हुआ सोम रस? लोगों को मिसकंसेप्शन, इट यूज्ड टू बी एन अल्कोहल, इट नेवर यूज्ड टू बी एन अल्कोहल, इट यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल मेडिसिनल प्लांट. नहीं, गलत है वो तो. अब उसका एक कंसेप्शन निकाल दिया. एग्जैक्टली निकला. लीडरशिप के अंदर यही सोम रस चाहिए. SOMRAS. लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड मैनेजर्स, लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड एबिलिटीज, एंड फाइनली लीड सोसाइटी. लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड मैनेजर एंड लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीड सोसाइटी. आ गया सर, गुड, थैंक यू सर. सर लीड सेल्फ, लीड अदर, लीड मैनेजर, रोल एंड सोसाइटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड एबिलिटीज एंड लीड सोसाइटी. लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
and leads society and leads ability. आ जाएगा सोमरस सेल्फ अदर्स मैनेजर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एबिलिटीज एंड सोसाइटी देन यू आर द परफेक्ट लीडर. थैंक यू सो मच. मैं इसके बारे में आगे इलैबोरेट कर दूं व्हाई इट इज नॉट स्टिल फंक्शनिंग. ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट डू यू मीन बाय लीड सेल्फ. बचपन में एक प्रेयर करी थी हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. जब तक आप अपने आप को लीड नहीं करेंगे तब तक आप किसी और को लीड नहीं करा पाएंगे. लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल्फ लीड के लिए एक सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग कॉन्फिडेंट हैं लेकिन सब लोगों के पास एक बैगेज है. हम सब लोग जब सुबह उठते हैं तो एक भारी बैग हमारे कमर में लदा हुआ होता है. पुरानी टेंशन्स, पुरानी लायबिलिटीज, पुराने इश्यूज, सोसाइटी, फैमिली, अटरम शटरम, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी सुबह उठ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये बिल, वो बिल, ये क्रेडिट कार्ड, ये एजुकेशन बिल, ये चीज, वो चीज, सारी की सारी चीजें होती है कि नहीं होती है? इतने डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को लीड सेल्फ कैसे कर पाएंगे यह सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको. हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं. हम सबको लगता है हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं. एक इंसान था आज से तकरीबन 3000 साल पहले, 3000-2000 साल पहले एक इंसान था. वो भी आप ही की तरह एक प्रॉब्लम में फंस गया था. बड़ी बुरी प्रॉब्लम थी उसके साथ. वो एक छोटा सा राजा था जिसके ऊपर अगले दिन सुबह उससे 10 गुना बड़ी सेना उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी. वो थे सिर्फ 500 और सामने जो सेना थी वो थी 10,000 और टाइम था सिर्फ रात के 10 घंटे अंधेरे का क्योंकि कल सुबह भोर होते ही उसने उसके ऊपर अटैक करना था. आप सोचिए प्रॉब्लम्स. हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं सुबह, ये बिल सुबह, वो बिल सुबह, ये सुबह वो, पुरानी लायबिलिटीज, ये वो. उस इंसान के लिए तो जीने और मरने का सिचुएशन हो गया था. जीने और मरने का सिचुएशन. नाउ आप सोचिए आप राजा है, कल सुबह आपसे 10 गुना ताकतवर आपके ऊपर अटैक करने वाला, आपके पास इतना बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जिसको आप कल सुबह मार के सब लोगों को पार कर देंगे. लेकिन उस इंसान ने लीड सेल्फ किया. कैसे? गेम चेंज इन 10 आवर्स. ध्यान से सुनिए बिकॉज अगर ये समझ में आ गया देन यू आर ऑन द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ. उसने क्या करा? उसने बोला कोई बात नहीं, उनके पास क्या है क्योंकि पुराने जमाने में तो वही चलता था. क्या वो धनुष, एरो, बाण, तीर कमान? उसने क्या किया आपको? उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी. उसने अपने लोगों को बोला आप एक काम करें, आप एक नाव बनाए, नाव के ऊपर ना बहुत सारे लोग की मूर्तियां बनाए जो घास से बनेंगी और उनको उसने काला पेंट करवा दिया. रात का अंधेरा, नाव के ऊपर बहुत सारी बॉडी स्ट्रक्चर्स और वो भी घास की बनी हुई और वो भी काली ताकि वो दिखे ना, उनको लगेगी, दुश्मन को लगेगी इन लोगों ने रात को अटैक कर दिया. अब उसने क्या करा? ये अपनी 10-15-20 नावें दुश्मन की तरफ भेज दी और दुश्मन ने क्या करा? उन्होंने फेंके तीर और इतने तीर फेंके कि सारे के सारे तीर किस में लग गए? घास में. अब गेम पलट गए. अब दुश्मन के पास तीर कम और उस राजा के पास तीर ज्यादा. और सुबह जो हुआ उसने इतिहास रच दिया चाइना का. क्योंकि उसके पास दुश्मन के तीर आ गए थे. अब आप समझिएगा आपके पास इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितनी बड़ी उसके पास थी. उसने अपनी टेंशन खत्म कर दी 10 घंटे में. आप अपनी टेंशन खत्म कर सकते हैं 10 घंटे में, क्या 10 मिनट के अंदर. गॉट इट?
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक चीज सोचनी है, दैट यू हैव टू लीड सेल्फ। जब तक आप अपना एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तब तक आप लोगों को लीड नहीं कर पाएंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी थी कि बाबा गुरु नानक के पास एक लेडी आती है, बोलती मेरा बच्चा जो है मिठाई बहुत खाता है, टॉफी बहुत खाता है, इसको जरा मना करो। तो बोलते नहीं, इसको कल ले आना। तो फिर आती है कल कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा टॉफी खाता है, मिठाई खाता है, तो बोलते जी आप एक काम करो इनको परसों ले आना। करते करते फिर एक दिन उस औरत ने पूछ लिया कि मैं आपके पास बार बार आते हैं, एक छोटी सी बात मेरे बच्चे को क्यों नहीं बता पाते। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहते जब मैं इतना मिठाई का शौकीन हूँ, जब मैं खुद नहीं सीख पा सकता, पहले मैं खुद छोड़ूंगा तभी तो इस बच्चे को छुड़वाऊंगा। तो यही चीज हमने देखनी है, व्हेन वी आर द लीडर्स, हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारी पूरी डाउनलाइन हमसे इंस्पायर्ड हो। क्योंकि जब आप लीड सेल्फ करेंगे तो आप लीड अदर्स पर पहुंचेंगे। आप सब लोग लीड सेल्फ को क्रॉस कर चुके हैं बिकॉज यू आर द लीडर्स, नाउ वी हैव टू लीड अदर्स। आज यहां पे जितने भी लीडर्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग अपना एक रोड मैप बनाए कि अपने नीचे उन लोगों को जो चाहिए वो ये चाहिए। मैनेजर्स, आप सब लीडर्स के पास अपने 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 मैनेजर्स डिफाइंड होने चाहिए। आप खुद लीड करेंगे, आप बाकी लोगों को लीड कराएंगे और उनके नीचे मैनेजर्स बनाएंगे, और मैनेजर्स के बाद लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दुनिया में जिस इंसान ने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लीड कर लिया वो दुनिया का बेस्ट पर्सन बन गया। पूछिए कैसे। अगर आज की डेट में आपकी डाउनलाइन की तरफ से कोई भी काम आए तो आपका हाथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। यू शुड बी ऑलवेज रेडी, कोई भी काम, यस सर। इसमें एक चीज याद आई, एक इंसान था, उससे पूछा गया कि भाई साहब क्या आप एफिशिएंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीड कर सकते हैं। कहता है हाँ जी, मेरे ऑफिस में जब भी कोई गलत काम होता है सब लोग मेरे को ही रिस्पॉन्सिबल समझा देते हैं। तो वैसा इंसान नहीं बनना है आपको। अपना रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है? रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर को कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद लीड एबिलिटीज। आप लोगों के पास जो भी आपका प्लस पॉइंट है उसको और इंप्रूव करिए, और जब आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी आप अपने आप के सोसाइटी में अपने आप को लीड कर लेंगे। जिस दिन व्हेन यू विल लीड द सोसाइटी यू विल बिकम द ट्रू लीडर। तो लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड मैनेजर्स, लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड एबिलिटीज, लीड सोसाइटी एंड लीड अदर्स। प्लीज मूव द स्लाइड। Yes, मैंने क्या बोला था, सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे पास आए हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन था ट्रस्ट, वो चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ टास्क होम ई रिटेल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आज आपको बताता हूं, जब ये कंपनी हमने शुरू करी, जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया, तो सबसे पहले हमने जो चीज सोची वो थी लीगल इश्यूज के बारे में। आज अगर मैं आपको बोल रहा हूं बी कॉन्फिडेंट, तो दैट मींस बी कॉन्फिडेंट। बहुत ही कम डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो नई आने वाली है एमएलएम की पता भी होगी कितनी है। मुझे, आप रात को 12 बजे भी उठाओगे तो मुझे वो याद है, इट इज ऑन माय फिंगर टिप्स कि हमारे पास गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या क्या है। टास्क होम एक लीगल प्लेटफॉर्म और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। इस चीज के लिए आप बेफिक्र होके काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बिकॉज मी एज अ डायरेक्टर आई हैव टेकन प्रॉपर प्रिकॉशंस कि हम एक एक पॉइंट को एड्रेस करें। 65 पॉइंट्स की गाइडलाइंस के ऊपर हमने इतना फोकस किया हुआ है
कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और ज्यादा बेटर और ज्यादा बेटर और ज्यादा सिस्टमैटिक लेके चले. वी आर नॉट गोइंग टू बी एंड वी आर नॉट अ मनी रोटेशन कंपनी. टास्को एक लीगल और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म की तरह उभरेगा. आज हमने इस सिस्टम को इतना बेटर ई कॉमर्स सिस्टमैटिक नेटवर्क बना दिया है कि ये सिस्टम के अंदर बहुत सारे लीडर्स डेवलप होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने और काम करना शुरू कर दिया है. पॉइंट ये है, द फोकस शुड बी ऑन ऑन द सेल्स. यस और नो? जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट नहीं बिकता उस कंपनी में लोग बिक जाते हैं, ये हकीकत है. हमने फ्रॉम द डे नंबर वन किसके ऊपर फोकस किया? प्रोडक्ट्स के ऊपर. मजे की बात देखिए, 2018 के चार महीने में हमने 11 सेमिनार अक्रॉस इंडिया ऑर्गेनाइज करे, सक्सेसफुली ओपन 10,000 फंक्शनल ई शॉप्स, एंड एवरी ई शॉप इज गेटिंग मिनिमम 4 to 5 सेल्स एंड 40% ग्रोथ एवरी मंथ. And this is apart from networking. आज हमने आपको जनरेशन की बात करते हैं. आज हमने इसके अलावा 2018 के अंदर हमने tripsvision.com भी लॉन्च कर दिया था एंड, जिसमें आप रेल टिकट, ट्रेन टिकट, एयर टिकट ये सारा कुछ कर देते हैं. और इसके अलावा आज अगर हम एक चीज की ओर बात करें, हमारी सेल्स फिगर देखिएगा 2018-2019 ये आप लोगों ने करी है टास्कॉम के अंदर. इन द मंथ ऑफ अगस्त सिर्फ 4 लाख रुपए की सेल करी हमने, सिर्फ 4 लाख की. सितंबर 8 लाख, अक्टूबर 10 लाख, नवंबर 15 लाख और दिसंबर 25 लाख रुपए के प्रोडक्ट सेल हुए हैं फ्रॉम द टास्कॉम सिस्टम. क्या ये जनरेशन नहीं है? वी आर अप्रोक्सीमेटली ग्रोइंग near about 40-50% every month. और ये मैं annual sales की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं monthly sales की बात कर रहा हूं. और अभी तो बहुत सारे लोगों ने खरीदना शुरू भी नहीं किया because repurchase ले सब wait कर रहे थे. So my team Tascom, repurchase ready? Yes, yes. Good. क्या अब इस sales figure को और तोड़ा जा सकता है? This is our generation. This is our soul. ये है टास्कॉम की जान. इस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा. टास्कॉम ने किया क्या? प्लीज सोचिए. हमने लोगों को दुकानें दी, अपनी 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 दुकानें दी कि नहीं दी? कोई दिक्कत? नो. और उस दुकानों के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट्स दिए. यस और नो? यस. और आपने अभी तक फोकस किया नेटवर्क पे, लेकिन आपको पता है पीछे 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 आपको भी नहीं पता, थोड़ी 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 करके सेल्स भी आने लग गई. हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना आज नहीं है जहां पे टास्कॉम का प्रोडक्ट नहीं गया हो. पलामू में आपका गया सर प्रोडक्ट? यस. झारखंड में किसी के पास प्रोडक्ट गया? वेस्ट बंगाल में किसी के पास प्रोडक्ट गया? ओडिशा में किसी के पास प्रोडक्ट गया? यस. द जनरेशन हैज बिगन, जनरेशन शुरू हो गई. मैं फिर से इश्यूज के ऊपर आ जाता हूं कि आज जो हमने सपना लेकर चले थे वो सपना आज पूरा हो गया है. हमने सोचा था कि कुछ लोगों को दुकानें देंगे और वहां से सेल्स निकलेंगी, लेकिन अब बहुत सारी दुकानें आ गई और अब धीरे 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 करके सेल्स बढ़ती जा रही है. और ये इतनी सेल्स बढ़ रही है कि अगर हम 40% एवरी मंथ ग्रो करेंगे तो शायद
हिंदुस्तान की ये नंबर वन सिस्टमैटिक ई कॉमर्स नेटवर्क कंपनी में बदल जाएगी। जितनी भी नेटवर्क कंपनीज हैं, फोकस ऑन नेटवर्क रहता है। टास्कों में नेटवर्क के साथ जनरेशन ऑटोमैटिकली जुड़ी है। हमने आपको दुकानें दी, उन दुकानों के साथ हमने एक कनेक्शन बनाया कि सब लोग अपना इंडिविजुअल बिजनेस करें, और उन सब ने एक इंडिविजुअल बिजनेस करके सेल्स टास्कों को दिलाई, और धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़ी सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। मैं फिर से दिखाता हूं, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग अस, प्लीज टेक द स्लाइड बैक। आप लोगों के लिए शुक्रिया कि आपने हमें ये दिया। अगर दिसंबर 25 लाख है तो जनवरी कितना हो सकता है? 1 करोड़। दिस इज हाउ वी डू इट। और उसके ऊपर भी अगर आपको इस तरीके से ऑफर्स मिलती जाएं कि अगर आपकी दुकान से आपने 3 ट्राउजर्स बेचे तो 1 फ्री, तो कितनी और सेल्स निकल सकती हैं? 2 करोड़। यस, दिस इज व्हाट सेल्स विल कम। आज हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, डीसी सर से स्पेशल परमिशन लेते हुए हमारी मैनेजमेंट टीम ने यह डिसाइड किया है कि सेल्स के ऊपर भी कोई ना कोई रिवॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग हमारी जनरेशन के ऊपर डाउट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बताता हूं क्या ये करना मुश्किल था हमारे लिए। प्लीज देखिएगा, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आप मार्केट गए, आपने एक टी शर्ट खरीदी, कितने की? 2000 रुपए की। आप मार्केट गए दिलोसा और आपने टी शर्ट खरीदी 2000 रुपए की, कितनी खरीदी? 1। लेकिन हमारा परिवार कितना बड़ा है, 10,000 लोगों का। हम उसी दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब हमें कितनी टी शर्टें चाहिए? 1000 टी शर्ट चाहिए। तो ये 1000 टी शर्ट हमें कितने की पड़ेगी? 400 रुपए, 100 रुपए। ढिलो साहब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, ऐसा भी हो सकता है 400 रुपए की। और अगर हमारे पास 10,000 सिस्टम है, हम 1 टी शर्ट के साथ 1 टी शर्ट फ्री जोड़े, तो हमारी 2000 रुपए की जो एमआरपी की टी शर्ट है वो हम 999 रुपए में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आपने 2000 रुपए की 1 टी शर्ट खरीदी, अब आपने बाय वन गेट वन फ्री के अंदर अगर आपने वो चीज लगा दी, तो आपने, हमने 400 रुपए के हिसाब से 1000 टी शर्ट अगर खरीदी, 4 लाख रुपए की हमारी टी शर्ट की कॉस्ट बन गई। और हमने 999 में बेची तो 9 लाख रुपए का हमने प्रोडक्ट सेल कर लिया। नेट प्रॉफिट 5,99,000 कहां से आया? आप सब लोगों से आया कि नहीं आया? सर आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर 2000 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए में मिले और वो भी 1 के साथ 1 फ्री, तो आप में से कितने लोग खरीदेंगे? सारे ही खरीदेंगे। और खरीदने वाले को कभी नुकसान होगा? बेचने वाले को नुकसान हुआ? और जो बीच में आप लोगों ने बेचा, आपको भी उसका कमीशन मिला, तो आपको कोई नुकसान हुआ? तो दिस इज आवर जनरेशन, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हम करना शुरू करके। और मजे की बात देखिए, इस महीने अलोन हमने तकरीबन 1100 से ऊपर पेयर ऑफ शूज बेच दिए, 700 से ऊपर जीन्स बेच दी, और ये सिलसिला अभी बढ़ता जा रहा है। जब हमने टूर्स एंड ट्रैवल्स खोल दिया,
अगर आपको टिकट बाकी वेबसाइट्स के ऊपर 4000 की मिलेगी और वही सेम टिकट आपको 3800 रुपए की मिलेगी टास्कॉम प्लेटफॉर्म पे, तो आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? और अगर उस 3800 के अंदर 300-400 रुपए आपका भी कमीशन हो तो सोने पे सुहागा। दिस इज व्हाट द टास्कॉम सिस्टम इज। जनरेशन फ्रॉम द डे नंबर वन। आज जैसे 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 परिवार बढ़ता जा रहा है, वैसे 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 सेल्स बढ़ती जा रही है। आज के बाद टास्कॉम से लीडर से टास्कॉम लीडर से कोई भी इंसान पूछेगा कि जनरेशन कहां से हो रही है, तो जनरेशन आप सब लोगों से हो रही है। आज जनरेशन करने के लिए कहीं हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द सिस्टम द मनी इज गेटिंग जनरेटेड। और मेरा फिगर कैलकुलेटेड फिगर, क्योंकि मैंने क्या बोला, वी विल प्रॉमिस लेस एंड वी विल डिलीवर मोर। हमारा टारगेट ऑफ 2019, देखिए अभी बहुत ज्यादा शोर होने वाला है, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने बड़ी कम सेल्स फिगर रखी है और ये सब। मैं बताता हूं, हमारा जो हमारा कंजर्वेटिव जिसे कहते हैं, हम लोग छोटा टारगेट लेके चल रहे हैं। 2019 में 50,000 से ज्यादा दुकानें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? Yes! 12 करोड़ से ऊपर की सेल्स 2019 में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? Yes! क्या 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes! क्या हम नो डोमेस्टिक एलडीपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes! क्या 150 से ज्यादा बाइक अचीवर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? Yes! 50 से ज्यादा कार अचीवर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? Yes! कम से कम 5 ऐसे लोग जिनका मंथली पे आउट 30 लाख से ऊपर होता है, क्या ये टास्क ऑफिस 2019 में जनरेट कर सकता है? एंड लास्टली, क्या हम 50 से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स को अपने यहां बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? Yes! लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आप सब लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? दिस इज व्हाट आई वॉन्ट। आई वॉन्ट 50,000 ई शॉप में 5 लाख ई शॉप्स हो, मेरा सेल्स टर्नओवर 12 करोड़ नहीं 120 करोड़ हो, 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं 30 इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, 5 नो डोमेस्टिक एलडीपीज नहीं 90 डोमेस्टिक एलडीपीज हो, 150 बाइक अचीवर्स नहीं 1500 बाइक अचीवर्स हो, 50 कार अचीवर्स नहीं 500 कार अचीवर्स हो, और 5 मंथली पे आउट ओवर 30 लाख ना हो, 50 मंथली अचीवर्स ओवर 3 करोड़ हो एवरी मंथ, और 500 से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स हो। मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करेंगे, हमारी पूरी टीम मेहनत करेगी और हम सब मेहनत करेंगे। प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर। वी विल कीप द प्रॉमिस लेस, वी विल डिलीवर मोर। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कब पॉसिबल है? जब आपसे कोई पूछे कि कंपनी जनरेशन कहां से करती है, तो उसका जवाब आपके पास रेडी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये हमारा जनरेशन पार्ट है। आज टास्को बहुत सारी दुकानें खोल रहा है। कितनी दुकानें खुल गई जनाब? 10,000। 10,000। अगर हर दुकान से कुछ ना कुछ सेल्स होंगी तो जनरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये चीज आपको समझानी है। इस एलडीपी का मतलब ये है कि जनरेशन जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कहां 4 लाख से शुरू होते होते हमने अपनी सेल्स फिगर 25 लाख तक कर दी इन अ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। किसी और कंपनी के अंदर 25 लाख की जनरेशन आपने देखी आज तक? मैंने नहीं देखी। हाँ, नेटवर्क देखा, और नेटवर्क तो आप सबने दिखाया भी, सबने दिखा दिया सर नेटवर्क, लेकिन जनरेशन किसने दिखाई?
My all the leaders, please understand. The generation is you. आपके पेन और पेपर के ऊपर जनरेशन फिंगर टिप्स में होनी चाहिए. कैसे फिंगर टिप्स? देखो सर, ऐसा है, कंपनी अपने साथ मिलके लोगों की ई कॉमर्स शॉप्स खुलवाती है. आज खुलवाते खुलवाते कंपनी के पास 10,000 ई शॉप्स हो गई और इन 10,000 ई शॉप्स में हर दुकान में कुछ ना कुछ बिक रहा है और कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. और ये फिगर इस तरीके से है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2019 एक्यूमुलेटिव सेल्स 50 लाख रुपए से ऊपर की हो गई है. आप 25, 15, 10 करेंगे, हमारे 4 मंथ का अगर आप कलेक्टिव फिगर लेंगे तो ये 50 लाख से ऊपर की सेल्स है. एंड विद इन नेक्स्ट 1 ईयर हम अपनी सेल्स को और आगे बढ़ाएंगे. यहां पे जितने भी लीडर्स हैं, जिन लोगों ने LDP क्वालिफाई किया है, आफ्टर लंच वो लोग मेरे से परफेक्ट मिलेंगे और इसका फॉर्मेट भी आपके पास रहेगा. हमारा फोकस ये है कि सेल्स भी हो और जनरेशन भी हो. आप लोगों ने काम सिर्फ एक चीज करनी है, चीजें खरीदिए, ऑटोमेटिकली सेल्स होगी और ऑटोमेटिकली चीजें बनेंगी. लास्ट मंथ हमारे पास जो MPA का लोड था वो तकरीबन 50 लाख रुपए से ऊपर का था. और मजे की बात यह है कि उसमें से एक मेजर फैक्टर हमने अपने सेल से ही रिकवर कर लिया. और हमें पता है कि विद इन अ स्पैन ऑफ मोर एंड मोर टाइम द सेल्स विल बी मोर एंड द MPA विल बी लेस. आज जो हमारे साथ जुड़ा है उसको हर महीने MPA है क्या? 400 रुपए. लेकिन जनरेशन से जब 4,000 रुपए उसके पास आएगा तो 400 रुपए की कोई वैल्यू रहेगी? दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. द फोकस विल बी मोर ऑन सेल्स एंड द जनरेशन इज गेटिंग ऑटोमेटिकली डन. मेरे को आप लोगों से ये उम्मीद है. Okay, please.